तो गाइस अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइस यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया अपना मंदिर। और भाई आप लोग आओ कभी तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, तो शॉर्टकट से जाओ, ऐसे चढ़ाई में और आपको मेहनत पड़ेगी और चलने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। भाई हम फाइनली आ गए, जय बाबा तुंगनाथ जी। ये देखो भीड़, भीड़ ही भीड़ है, दूर दूर तक भीड़ है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो गाइस आपने लास्ट ब्लॉग में देख लिया होगा कि हम लोग उत्तराखंड आए और फिर चौपटा रुके, कॉटेज में रुके, और आज सुबह फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैकिंग से पहले ब्रेकफास्ट करने चलेंगे और आपको व्यू दिखा दूँ, कितना मस्त आ रहा है भाई यहाँ पर, भाई नेक्स्ट लेवल। भाई देखो भाई, इसलिए बोलता हूँ उत्तराखंड इज़ ट्रू लव भाई। हम तो उड़ गए उड़ गए। भाई मेरा तो थोड़ा गला बैठ गया, ठंड इतनी हो रही है ना यहाँ भाई, बता नहीं सकता। पानी भी भाई मतलब तुम ना 30 सेकंड के बाद तुम पानी में हाथ रख लोगे ना, जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे हाथ, ऐसा सीन है यहाँ भाई। इतना ऊपर आ गए हम लोग और अभी ट्रैकिंग के लिए जाएंगे ऊपर, और तो बहुत ठंड लगने लगा, ठंड लगने वाली है। और फिलहाल देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं भी भाई एक गाना गा रहा है अपने उस साइड। वैसे देखो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, तो इस तरीके से पानी गर्म होता है यहाँ, मतलब ऐसी लकड़ियों पे मतलब खाना भी ऐसी बनता है। और बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सोलर एनर्जी का जो भी सिस्टम है यहाँ यूज़ करा जाता है चौपटा में। और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, भैया आए थे बताने, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो वैसे ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, और ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा और पोहा और चाय, और देखो सामने मस्त भी इन्जॉय करते करते खाएँगे अब। और यहाँ दीदी लोग खा रहे हैं और अभी बाकी लोग आएँगे, मतलब रेडी हो रहे होंगे और बाहर घूम रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो व्यू एंजॉय करते करते खाते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो कर लिया और बाकी लोग भी कर रहे हैं अंदर, देख सकते हो आप। और फिलहाल ये देखो कितने क्यूट डॉग्स बैठे हैं, अपना एक डॉग यहाँ और अपना एक भाई यहाँ सो रहे हैं, डॉग भाई हैं अपने सब, सो लो भाई। भाई कर लिया सबने नाश्ता, बढ़िया। निकल कितने बजे रहे हैं? मुझे जहाँ तक पता है 8:30 हो जाएगा। 8:30 अभी कितना हो गया? 8:06 हो रहे हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं कोटेज से और अपनी बस तैयार, सब लोग बैठ गए, ड्राइवर अंदर रस्सी बांधने मतलब बैग बैग रखे होंगे ना। तो गाइस चौपटा से तुंगनाथ के लिए निकल गए हम लोग, वहीं पे होगी ट्रैकिंग हमारी। भाई क्या व्यू आ रहा है भाई, मस्त उत्तराखंड इज लव भाई। अमरी से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों के परे हो। तो भाई सब पहले तो 4 किलोमीटर पैदल जाना है मंदिर, फिर 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो चलेंगे और आपको व्यू दिखा दूँ कितना मस्त आ रहा है। अब तो आए जा, अभी तो 300 मीटर पैदल जाना है फिर मंदिर है, यहाँ जाम लग रखा था इसलिए बस से नहीं आए। 300 मीटर जाके 4 किलोमीटर बाद मंदिर, फिर 2 किलोमीटर बाद ट्रैक अपना। हाँ टोटल 6 है ना? नहीं फिर अच्छा, 6 का मंदिर है फिर 2 का ट्रैक है, 8 हो गया मतलब। ऐसा डंडा लेने के लिए रुके हैं और धूप आ रही है, जा रही है, और जैकेट उतार ली मैंने, गर्मी लग रही थी भाई, आगे वाले पहाड़ों में ठंड भी लग सकती है, तो पहन लेंगे। तो गाइस अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, हर हर महादेव। तो गाइस घोड़े भी जाते हैं यहाँ से, हम तो पैदल जाएंगे भाई। कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सांस तुम्हें और रात साथ बात करे क्यों ना।
बेशक हालत खराब हो रही हो बट व्यू देख देख के थोड़ी एनर्जी आ रही है चलने का, और मन कर रहा है कि और आगे जाएं, और मस्त व्यू मिले। और मंदिर तो जाने ही है, फिर ट्रैक अपना वहाँ से 2 किलोमीटर और होगा। भाई व्यू देख रहे हो भाई, बादल, भाई साहब बादल को छू रहे हो, ऐसा लग रहा है भाई साहब। तो गाइस रास्ता लंबा होने के चक्कर में हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, अब पहाड़ी के ऊपर से डायरेक्ट ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से घूम के जाएंगे तो डबल या ट्रिपल देरी लगेगी। लो भाई डॉग लेके आ रहे हैं लोग, सही है भाई। भाई भी तो ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी। राम राम सारे बोलो। राम राम भाई सारे ने। बस इतना आ गए शॉर्टकट से ऊपर, भाई टफ थोड़ा बहुत लगा, बस बाकी सांस फूल रही है और बाकी ठीक है यार, चलना कोई दिक्कत ना है। भाई आधे घंटे से चले जा रहे हैं, इतना ऊपर आए हैं, दीपक बता कुछ तो। सांस फूल के चलने में भी ठीक ठाक है, दर्द तो हो रहा है पैर में, बट ठीक है भाई, बस सांस का थोड़ा ज़्यादा सीन है। गाइस हमने थोड़ा फिर से ब्रेक लिया है, 1 किलोमीटर मंदिर है, फिर 2 किलोमीटर ट्रैक है अपना, और फिलहाल यहाँ पे लिली क्यूट डॉग, सही है, ओके रिपोर्ट भाई, सांस फूल गए, बाकी सब ठीक है। भाई आप लोग आओ कभी तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, तो शॉर्टकट से जाओ, ऐसे चढ़ाई में और आपको मेहनत पड़ेगी और चलने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। गाइस टाइम देख लो 11:34 हो रहे हैं और मंदिर की हल्की झलक दिखी है, आपको दिखाता हूँ वो रहा जूम करके, वो जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है ना वहाँ पे जाना है, अभी भी 1 किलोमीटर तो आराम से होगा भाई। मैंने तो ब्रेक ले लिया, 12 बज गए हैं और यहाँ देखो कहाँ बैठा हूँ मैं, व्यू देख रहे हो, सब पहाड़ दिख रहे हैं भाई, लो जूम करके देख लो भाई, कितना ऊपर जाना है, जो टॉप पे देखो ये लोग खड़े दिख रहे होंगे आपको, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मे बी। भाई थक गया बहुत, 10 मिनट यहीं बैठते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अब 2 रूट जा रहे हैं, एक शॉर्टकट थोड़ा मतलब चढ़ान वाला और ये नॉर्मल अपना रास्ता जा रहा है, और मंदिर आप देखो सामने ही है, दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखा दिया मैंने, तो मैं अब शॉर्टकट से जा रहा हूँ, वो लोग आगे मिलेंगे ग्रुप वाले सब। तो गाइस आधा रास्ता तो कवर कर लिया और आधा रह गया है मंदिर के लिए, और देखो व्यू, आप व्यू तो एक नंबर है कहना पड़ेगा, बट हालत ख़राब कर दी पहाड़ पे आते आते भाई, यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है ना जितना ऊपर आते। हम तोड़ गए जब तुम झुके, जब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए समाधि रे रे थालमा। फाइनली आ गए, जय बाबा तुगनाथ जी, यहाँ से एंटर होना है, देख रहे हो लाइन लग रखी है, क्योंकि अभी 1 घंटे के लिए ऑफ हुआ है, भूख लग रहा होगा ना, 2 बजे से फिर से खुल जाएगा ये रहा मंदिर, लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लग रखी है। हर हर महादेव, महादेव। व्यू तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो गाइस तुगनाथ जी के तो दर्शन कर लिए और कलावा भी बंधवा लिया, और अब देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो भीड़, भीड़ ही भीड़ है। दर्शन कर लिए, पहले मुझे लगा ऐसी गुफा है बट आते वक्त पता चला मंदिर था ये भी गणेश जी का, गणपति बप्पा मौर्य। तो चलते हैं अब कैंप की तरफ अपने नीचे, लेट्स गो, सांस फूल गया मेरी तो, जर्मन शेफर्ड भी मिला, देख रहे हो बादल ही बादल हो गए हैं, और शाम का टाइम क्या हो रहा है बड़े में देख लो, 5:16 हो गए हैं, ओके धीरे धीरे, जूते स्लिप हो रहे हैं पता नहीं क्यों,
डेढ़ साल पुराने नए लेने पड़ेंगे यार अब तो। गाइस टाइम हो गया अपना 5:55 और भाई व्यू देख सकते हो आप भाई साहब नेक्स्ट लेवल, बहुत मजा आया। हाँ थका दिया। आपको ये गेट दिख रहा है, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था और फाइनली हम आ गए। उतरने में भाई दर्द हुआ पर जल्दी आ गए चढ़ने के मुकाबले में, चढ़ने में तो बहुत घंटे लग गए भाई। तो गाइस बस की तरफ जा रहे हैं अब और फिर वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट कैंप, तो चलते हैं। तो गाइस कैंप की साइड आ गए हैं और कैंप्स लगे हैं, देख लो अब कैंप अलॉट हो रहे हैं यहाँ पे सबके। The next day. Hey guys, this is the next day. तो गाइस कल अपना कैंप नहीं दिखा पाया जिसमें रुका, क्योंकि कैब में जाते ही मैं जब शूट करने वाला था एकदम से लेट हो तो बहुत तेज सर दर्द होने लगा और फिर मैंने कल खाना भी नहीं खाया। कल खाना ले आई थी, मतलब मैं खाना खाने बाहर नहीं गया था, कैब से निकल के अंदर ही ले आई थी प्लेट, तो एक रोटी का कौरा खाया फिर उसके साथ पीसीएम ली क्योंकि बहुत सर दर्द हो रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था, उल्टी ऐसा लग रहा था। और फिर आज सुबह के बजे अभी 6 तो अभी भूख लग रही थी तो चाय पीने आ गया और आज पहाड़ों की मैगी खाएंगे फर्स्ट टाइम। तो भाई चाय आ गई है पहाड़ों वाली चाय, तो गाइस मैगी भी आ गई पहाड़ों वाली, चलो टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। भाई एक नंबर मज़ा आ गया यार भाई, इसलिए उत्तराखंड लगा पहाड़ों की मैगी भाई स्वाद ही अलग होता है डिफरेंट, कभी आप आओ तो ट्राई करना पहाड़ों की मैगी भाई, मतलब मज़ा आ गया। नॉर्मल है मैगी, नॉर्मल तरीके से बनी बट भाई यहाँ पे खाने का स्वाद ही अलग है, समझ लो डिफरेंस, मतलब ट्रू लव भाई उत्तराखंड भाई, पहाड़ मतलब पहाड़ों की मैगी और चाय एक साथ ट्रू लव भाई। तो गाइस मैगी तो खा ली हमने और कैंप दिखाता हूँ मैं आपको अब जाके। लो अब आप लोग कैंप देखो, एक कैंप ये है, एक ये है, तीन ये है। तो चलो गाइस कैंप के अंदर ले चलता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ आपको। वैसे तो अब चेकआउट का टाइम हो गया, अभी दिखा रहा हूँ बाकी लोग नाश्ता करने गए। ये चार लोगों वाला था, मतलब दो यहाँ सोते एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और ऐसा कुछ है, यहाँ शीशा लगा रखा है छोटा और वॉशरूम दिखा रहा हूँ, वॉशरूम टू ऐसा कुछ वॉशरूम है, यहाँ नहा भी सकते हैं मतलब जॉइंट है। चलो बाहर चलते हैं, ज़्यादा मैं दिखाता वॉशरूम वगैरह, इतना दिखाता काफ़ी है। तो गाइस अब निकल रहे हैं, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम ट्रैक पर भी जा सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं, वो बारिश पर डिपेंड करता, बारिश हो गई तो दिल्ली और नहीं हुई तो ट्रैक पे जाएंगे। बाय बाय चोपटा, बाय बाय कैम। तो गाइस अभी हम देवरिया ताल ट्रैक की साइड रुके हैं, बाकी ग्रुप वाले तो ऊपर गए और मैं नीचे हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और 4 किलोमीटर ऊपर जाता चढ़ाई पे तो और दर्द होता, क्या पता मैं बीच में ट्रैक नहीं कर पाता तो इसलिए मैं गया नहीं। और ट्रैक अपना ये ऊपर जा रहा है, जो मतलब यहीं से व्यू पॉइंट है, ऊपर जाके करता भी क्या मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं, मंदिर वंदिर होता तो जाता भाई क्योंकि मुझे यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने हैं, अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली बात की है भाई। तो गाइस 12:35 हो गया और अभी ट्रैक से सब नीचे आ रहे हैं ग्रुप वाले और फिलहाल दीदी ने मैगी मंगाई है, फिर से पहाड़ वाली मैगी खा रहे हैं और सामने व्यू चेक करो भाई एक नंबर भाई। अब बताओ आ गए आप लोग ट्रैक से? तो कैसा रहा? बहुत ही बेकार। देखा गाइस मैं नहीं गया, अच्छा रहा, पैर में भी दर्द था और कुछ खास नहीं था। क्या हो गया? बोलो। बीमारी से हमारे बीमारी में ना एक लेक है। हाँ। वो इससे मच बेटर है। ओके। उसमें ना तुम्हें बफेलो भी देखने को मिलेगी। अच्छा। बहुत सुंदर। जो ट्रैक कर आए हम जो ट्रैक कर आए अगर वहाँ तुम चलते तुम लोग पागल हो जाते हैं। ये भूतों की कहानी, ये भूतों की कहानी सुन के आए हैं लोग। नीचे तक खेतों तक गए थे, उन्होंने हमें कद्दू के खेत दिखाए, बच्चों से मिले हम लोग, बहुत मजा आया। Yo vlogger, how are you? I am fine. आप बताओ कैसा रहा ट्रैक? बहुत बढ़िया, worth it था, मजा आ गया। ये तो कह नहीं कुछ नहीं था। तो गाइस दिल्ली आ गए थे, फिर लास्ट टाइम ग्रुप वालों से मिले, सबको बाय बोला, फिर चल पड़े हम अपने घर की तरफ।
मेरे घर, रिएक्शन देखने को होगा। तो गाइस मैं उस दिन घर आ गया था ट्रिप से और आपने कोको का रिएक्शन देखा होगा। बहुत दिनों बाद देख रहा था मैं, बहुत दिनों बाद क्या 3 दिन बाद देख रहा था। कितना खेला, कितना खुश हुआ, आपने उसका उछलने से नोटिस कर लिया होगा कितना खुश हो रहा था। फिलहाल ये ब्लॉग एडिट हो गया है पार्ट 2। आई नो बहुत डिले हो गया ये वाला ब्लॉग, 2 अक्टूबर को आ गए थे ट्रिप से और आज 11 अक्टूबर है और कल से ब्लॉग आएंगे दोनों। कल पहला पार्ट आएगा, फिर उसके एक दिन छोड़ के दूसरा पार्ट आएगा। आई नो बहुत डिले हो गया है क्योंकि भाई अपना कॉलेज भी चल रहा है, उसका साथ साथ में काम भी पूरा करना है। कुछ छूट गए थे नोट्स तो वो भी करने थे, तो थोड़ा सिस्टम मेरा भी हिल रखा है अभी ब्लॉग एडिट करने में और बट हो चुके हैं। तो हाँ ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, चौपटा उत्तराखंड तुंगनाथ जी के दर्शन की और चंद्रशिला ट्रैक पर तो चढ़ नहीं पाए। चलो कोई नहीं, अगली बार जाएंगे कभी तो किस्मत हुआ तो जाएंगे जरूर। तो हाँ ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस ब्लॉग पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।